वेलकम टू ओनली आईएएस। आज है 28 जुलाई 2020। तो आइए देख लेते हैं आज की करंट अफेयर्स एमसीक्यूज। देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमारे पहले क्वेश्चन में आपको तीन पावर स्टेशंस के नाम दिए गए हैं विद द स्टेट। आपको उसे मैच करके बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। काकरापार अटोमिक पावर स्टेशन विद द स्टेट गुजरात, कैगा जनरेटिंग स्टेशन महाराष्ट्र, तारापुर अटोमिक पावर स्टेशन वेस्ट बंगाल। बताइए इनमें से कौन सा सही मैच है कौन सा नहीं। अगर आपने अपना जवाब सोच लिया हो तो मैं आपको बता दूं कि केवल पहला ही सही है। काकरापार अटोमिक पावर स्टेशन गुजरात में है, ये करेक्ट है। ये दो के दोनों ही गलत हैं। कैगा जनरेटिंग जो स्टेशन है ये कर्नाटका में है, और जो तारापुर अटोमिक पावर स्टेशन है ये महाराष्ट्र में है। तो दो के दोनों ही गलत हो गए, कैगा इन कर्नाटका एंड तारापुर इन महाराष्ट्र। काकरापार अटोमिक पावर प्रोजेक्ट न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि गुजरात में है ये, और फॉर द फर्स्ट टाइम इसने फर्स्ट क्रिटिकलिटी को अचीव किया है। ये एक ऐसा शब्द है जो सिग्निफाई करता है कि कंट्रोल्ड वे में वहाँ पर जो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन है उसे शुरू कर दिया गया है। ये फर्स्ट 700 मेगावाट इलेक्ट्रिक जो यूनिट है कंट्री की बन जाएगी। बिगेस्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड वेरिएंट होगा प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर का। इसके पहले तक जो हमारे पास इंडिजीनियस डिज़ाइन सबसे हैवी था वो 540 मेगावाट का हुआ करता था, और अभी ये 700 मेगावाट का हो जाएगा। यहाँ पर कुछ लोकेशंस हैं रिएक्टर्स की। उत्तर प्रदेश में है नरोरा अटोमिक पावर स्टेशन, राजस्थान में राजस्थान अटोमिक पावर स्टेशन, यहाँ पर गुजरात में है काकरापारा अटोमिक पावर स्टेशन, काकरापार आप कह सकते हैं, और महाराष्ट्र में है तारापुर, कर्नाटका में कैगा, तमिलनाडु में दो हैं, मद्रास भी है और कुडनकुलम भी है। लोकेशंस आप पिक्चराइज कर लेंगे तो लंबे समय तक दिमाग में रहेगा। अगला प्रश्न गोइंग ग्रीन इनिशिएटिव के बारे में है, न्यूज़ में था। किसका इनिशिएटिव है आपसे पूछा गया है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, मिनिस्ट्री ऑफ कोल। बताइए, फैक्ट टाइप क्वेश्चन है, पता होगा तो ही बता पाएंगे। सही जवाब वैसे मैं बता देता हूँ, डी है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल का ये एक इनिशिएटिव है। थोड़ा अनयूजुअल लगेगा कि वो गोइंग ग्रीन जैसा इनिशिएटिव चला रहे हैं, बट एक्चुअली में उन्हीं के लिए ज़रूरी है कि वो ऐसे इनिशिएटिव चलाएं। न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज यूनियन होम मिनिस्ट्री ने अभी एक कैंपेन लॉन्च किया, वृक्षारोपण अभियान। इस कैंपेन को ऑर्गेनाइज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा, और ये कैंपेन मिनिस्ट्री ऑफ कोल के ही ग्रीन इनिशिएटिव का पार्ट था। लास्ट स्केल पर प्लांटेशन किया जाएगा, जो प्लांटिंग कॉलोनीज हैं वहाँ पर, ऑफिसेस में, माइंस जो इनएक्टिव हो चुकी हैं जिन्हें डंप किया जा चुका है वहाँ पर, इसके अतिरिक्त सीडिंग वगैरह भी डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। 6 इको पार्क्स डेवलप इनॉग्रेट किए गए होम मिनिस्ट्री के द्वारा, जहाँ पर एडवेंचर, वाटर स्पोर्ट, रिक्रिएशन, बर्ड वॉचिंग, इन सबको फैसिलिटेट किया जाएगा। देखिए, जो कोल माइंस होती हैं जब वो इस्तेमाल हो जाती हैं तो उन्हें बंद कर दिया जाता है और वहाँ पर डंप कर दिया जाता है। तो वहाँ पर अगर हम ग्रीनरी को डेवलप करते हैं तो जो नुकसान हमने एनवायरमेंट को पहुँचाया है वो थोड़ा बहुत कंपनसेट हो जाता है। जो अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि 5 जो मिसाइल्स आपके सामने हैं इनमें से कौन सी ऐसी मिसाइल्स हैं जो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत नहीं डेवलप की गई। देखिए, ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है इंडिया का, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी मिसाइल्स इसका पार्ट हैं और कौन सी नहीं। आपके पास पॉइंटर्स हैं, अग्नि मिसाइल, पृथ्वी, सौर, त्रिशूल और निर्भय। बताइए कौन इसका पार्ट है, कौन इसका पार्ट नहीं है। अगर आपने अपना जवाब सोच लिया हो तो मैं आपको बता दूं कि अग्नि, पृथ्वी और त्रिशूल इसका पार्ट है, जबकि सौर और निर्भय इसका पार्ट नहीं है। आपसे पूछा गया है नॉट, सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, 3 और 5 ओनली। ये 5 मिसाइल्स हैं जिनको इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत डेवलप किया गया है। पृथ्वी, ये शॉर्ट रेंज सर्फेस टू सर्फेस बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि, इंटरमीडिएट रेंज की सर्फेस टू सर्फेस बैलिस्टिक मिसाइल है। त्रिशूल, शॉर्ट रेंज लो लेवल सर्फेस टू एयर मिसाइल है। नाक, थर्ड जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल है। और आकाश, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। डीआरडीओ ने अभी हाल फिलहाल में फर्स्ट ये जो फ्लाइट ट्रायल है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाक का, उसे कंप्लीट किया। अभी उसका नाम बदल दिया गया है, जो नाग है इसका नाम बदल के अब ध्रुवास्त्र रख दिया गया है। ठीक है, ध्रुवास्त्र या फिर नाक के बारे में बात करते हैं। ये थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, मतलब इसका हमला करके हम टैंक्स वगैरह नष्ट कर सकते हैं। फायर एंड फॉगेट का मतलब यह है कि आप एक बार इसे लॉन्च करके भूल सकते हैं, ये अपने आप ही अपने टारगेट को हिट कर देता है, इसे गाइड करने की आवश्यकता नहीं होती।
बैटल टैंक्स को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखता है, लैंड और एयर कहीं से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ये प्रोग्राम था, DRDO इसे कंप्लीट कर रहा था। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बोर्ड की मदद से 1982-83 में लॉन्च किया गया था अब्दुल कलाम जी की लीडरशिप में और 2008 में कंप्लीट हुआ। अगला प्रश्न कोरोनाई के बारे में है। हाल फिलहाल में न्यूज़ में देखा गया है क्या कोरोनाई? हरप्पन आर्टिफैक्ट है, डायनासोर की नई स्पीसीज की डिस्कवरी है, वॉल्केनिक स्ट्रक्चर है, या फिर यूनिक और रेयर इंडेंजर्ड प्लांट है? क्या है ये? अब नाम तो कोरोना से मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पर किसी बीमारी का नाम तो दिया नहीं गया है, मतलब ये होगा तो कुछ और ही। बताइए, बता देता हूँ, सही जवाब सी है। ये एक प्रकार का वॉल्केनिक स्ट्रक्चर है जो वीनस पे पाया गया। वीनस जो एक ग्रह है हमारे सोलर सिस्टम में, रिंग शेप्ड वॉल्केनिक स्ट्रक्चर्स हैं ये, जो कि मोल्टन रॉक से बने हैं। प्रोसेस जो वीनस का है, वॉल्केनोस का, वो बिल्कुल अर्थ के सिमिलर ही लग रहा है, बट सरप्राइजिंग बात यह है कि वहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट्स नहीं हैं। तो इससे हमें ऐसा लगता है कि जबकि डजन्स ऑफ फीचर्स हमें वॉल्केनिक मिले हैं, तो ऐसा लगता है कि हमें वीनस के बारे में कम जानकारी है, हमें पता करना होगा। हो सकता है जो वीनस के अंदर की एक्टिविटीज़ हैं वो अर्थ लाइक ही हों। जो अगला प्रश्न है वो मधुबनी पेंटिंग के बारे में है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि इस पेंटिंग का ओरिजिन बिहार के मिथिला रीजन में है। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि ये एक प्रकार की क्लोथ बेस्ड स्क्रॉल पेंटिंग है जो कि हिंदू डेटीज़ की स्टोरीज़ को डिपिक्ट करती है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, कौन सा गलत है? मधुबनी पेंटिंग अक्सर न्यूज़ में रहती है किसी न किसी कारण से, और आपके हिस्ट्री का भी पार्ट है, इनफैक्ट आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है वो तो सही है, मधुबनी पेंटिंग इज़ एसोसिएटेड विद बिहार, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये क्लोथ बेस्ड पेंटिंग नहीं है। मधुबनी पेंटिंग को दीवार पे बनाया जाता है, तो ये वॉल पेंटिंग होती है, ठीक है, और स्क्रॉल पेंटिंग नहीं है। स्क्रॉल पेंटिंग तो लंबी सी होती है जिसे आपको देखने के लिए स्क्रॉल करना पड़ता है, ऐसा मधुबनी पेंटिंग के साथ नहीं है। तो दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ओनली वन विल बी द करेक्ट आंसर। आई कैचिंग ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स, फ्लोरा, एनिमल और बर्ड मोटिव्स बनाए जाते हैं मधुबनी पेंटिंग में, वॉल आर्ट होता है ये मिथिला रीजन में बिहार के। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट बिहार का जो है वो अभी न्यूज़ में था क्योंकि उन्होंने हैंड पेंटेड मधुबनी मोटिव्स के मास्क बनाए। ये जो बात हम कर रहे थे स्क्रॉल पेंटिंग की क्लोथ बेस्ड, वो एक्चुअली में हम बात कर रहे थे पट्टचित्रा के बारे में। ये ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ पेंटिंग है, ये क्लोथ बेस्ड स्क्रॉलिंग पेंटिंग है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में प्रचलन में रहता है। मधुबनी पेंटिंग पॉपुलर इसलिए है क्योंकि ट्राइबल मोटिव्स का इस्तेमाल किया जाता है और ब्राइट कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रेडिशनली इसे वहाँ की महिलाएं बनाया करती थी, इसे यूजुअली दीवारों पर बनाया जाता है। एक कोहबर घर होता है जहाँ पर लाजली इसे बनाया जाता रहा है ट्रेडिशनली, जहाँ पर विवाह के बाद दूल्हा और दुल्हन पहली बार मिलते हैं। बाकी और भी कई सारे ओकेशंस पे इस पेंटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। जो कलर्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो नेचुरल होते हैं, प्लांट्स या फिर अदर नेचुरल सोर्स से इस्तेमाल किए जाते हैं, कोई शेडिंग नहीं की जाती। माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, लाइक भगवान कृष्ण, राम, लक्ष्मी, देवी लक्ष्मी, शिव, दुर्गा या फिर सरस्वती। इन देवी देवताओं का इस्तेमाल किया जाता है इस पेंटिंग में, उन्हें डिपिक्ट किया जाता है। अगला प्रश्न COVID-19 लैब लॉ लैब इनिशिएटिव के बारे में है। ये ज्वाइंट प्रोजेक्ट है किसका किसका, आपके पास यही ऑप्शन दिए गए हैं, नीति आयोग, WHO, WHO यूनिसेफ, WHO UNDP और चौथा है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और UNDP। अगर आपने अपना जवाब सोच लिया हो तो चलिए बात करते हैं। देखिए यहाँ पर चूंकि दो ऑर्गेनाइजेशंस के नाम दिए गए हैं और यहाँ पर दो शब्द भी हैं, एक तो है COVID-19 और दूसरा है लॉ, मतलब एक जो ऑर्गेनाइजेशन होगा वो हेल्थ से एसोसिएटेड होना चाहिए और दूसरा लॉ या फिर किसी दूसरे एरिया से एसोसिएटेड हो सकता है। यहाँ पर देखिए, मतलब अगर COVID-19 है तो WHO तो हम ले सकते हैं। अगर आप WHO ले रहे हैं तो आप ये तो एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि इसमें WHO नहीं है। WHO के साथ नीति आयोग क्या लॉ के लिए हो सकता है? क्या WHO इंडिया के साथ मिलकर ऐसा कोई इनिशिएटिव लेगा? ले भी सकता है। लेकिन WHO के साथ ही यूनिसेफ आप काट सकते हो क्योंकि यहाँ पे बच्चों का तो कोई जिक्र है नहीं, लॉ का जिक्र है। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, इसका यहाँ काम नहीं लग रहा है तो ये भी कट गया। कुल मिला के आपको इसमें और इसमें से एक चुनना है, WHO के साथ UNDP हो सकता है या नीति आयोग हो सकता है। अगर ये इंडिया स्पेसिफिक होगा तो नीति आयोग होगा, अगर ये वर्ल्ड स्पेसिफिक होगा तो UNDP होगा। खैर इसका सही जवाब सी है, ये वर्ल्ड स्पेसिफिक है। WHO के साथ UNDP मिलकर इस प्रोग्राम को, इस इनिशिएटिव को ले रहा है।
ये जो लॉ लैब होगा इसमें दुनिया भर में जो कोविड 19 को लेकर कानून बनाए गए हैं, जैसे कि इमरजेंसी डिक्लेरेशन, क्वारंटाइन मेजर्स, डिसीज सर्वेलांस, लीगल मेजर्स, मास्क वेयरिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, इनको लेकर जो कानून बनाए हैं, उन सबको इकट्ठा किया गया है ताकि जो एक देश है वो दूसरे देश के कानून का लाभ उठा सके, उसके इम्पैक्ट समझ सके और इन कानूनों के आड़ में ह्यूमन राइट का वायलेशन ना हो, इसे भी इंश्योर किया जा सके। इन दो ऑर्गेनाइजेशंस के अलावा ज्वाइंट यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम ऑन HIV एड्स, UN एड्स भी इसका पार्ट है, ओनेल इंस्टीट्यूट भी इसका पार्ट है। ठीक है, जो अगला प्रश्न है वो एनिमल वेलफेयर बोर्ड के बारे में है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि एक प्रकार का स्टैचुरी और एडवाइजरी ऑर्गन है, स्टैचुरी और एडवाइजरी बॉडी है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइज करती है या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी को एडवाइज करती है। दूसरा स्टेटमेंट यह है कि इसे 1962 में प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी ऑफ एनिमल्स एक्ट 1960 के तहत एस्टैब्लिश किया गया था। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। यहाँ पर सही जवाब सी है, दो के दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज दिल्ली हाई कोर्ट ने भी डायरेक्ट किया है एनिमल वेलफेयर बोर्ड को, पूरे देश में एक सर्वे कंडक्ट करें और देखें कि सर्कस में जहाँ जहाँ एनिमल्स थे उनकी क्या स्थिति है, क्योंकि सर्कस अभी बंद हो चुका है कोविड 19 की वजह से, तो उनकी क्या स्थिति है, और उन्हें आसपास के किसी जू में शिफ्ट करें। एनिमल वेलफेयर बोर्ड के बारे में बात करते हैं, इनका जो हेडक्वार्टर है वो वल्लभगढ़ हरियाणा में है, 1962 में इस्टैब्लिश हुआ था। इसको इस्टैब्लिश करने में रुक्मिणी देवी अरुणडेल जी का काफ़ी योगदान था। रुक्मिणी देवी अरुणडेल, ये नाम आपने हो सकता है आर्ट एंड कल्चर में भी सुना हो, किस रेफरेंस में सुना था, भरतनाट्यम की काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक्सपोनेंट मानी जाती हैं। 28 मेंबर्स होते हैं इस बोर्ड में जिनका 3 साल का टर्म होता है। जो अगला प्रश्न है वो गुलामगिरी के बारे में है, एक बहुत ही फेमस किताब है किसी बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी की, किसकी है बताइए, दीनबंधु मित्र की, ज्योतिराव फुले की, सुभाष चंद्र बोस की या दादाभाई नौरोजी की, बताइए क्या है सही जवाब, किसकी है ये किताब गुलामगिरी। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं या तो सीधे सीधे या मैच करने के लिए दिए जाते हैं UPSC के द्वारा। सही जवाब बी है, ये किताब ज्योतिराव फुले की है। ये न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज महाराष्ट्र, मतलब उनका नाम न्यूज़ में था एक इनिशिएटिव को लेकर या एक स्कीम को लेकर, महात्मा ज्योतिराय फुले क्रॉप लोन वेवर स्कीम अभी लॉन्च की गई, जिसके तहत 83% जो महाराष्ट्र के किसानों को लोन दिया गया था उसे माफ़ कर दिया गया, तो इसीलिए हमने इस पर्सनैलिटी पर क्वेश्चन आपके सामने रखा है ज्योतिराय फुले के ऊपर। देखिए, 1827 में जन्मे थे सतारा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में, इन्हें महात्मा का टाइटल दिया गया था विट्ठल राव कृष्ण जी वेंडिकर के द्वारा, जो उस समय के सोशल एक्टिविस्ट हुआ करते थे। इन्होंने कई सारे बहुत ही महत्वपूर्ण काम किए, कास्ट सिस्टम और अनटचेबिलिटी को इरेडिकेट करने के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट एंड इमेंसिपेशन के लिए, हिंदू फैमिली लाइफ में रिफॉर्म के लिए भी कई सारे काम इन्होंने किए। इनकी जो पत्नी थी सावित्रीबाई फुले, उनकी मदद से इन्होंने वुमेन एजुकेशन के लिए वर्क किया, दोनों का मतलब ज्योतिराव फुले और उनकी पत्नी ने मिलकर, सावित्रीबाई फुले ने मिलकर फर्स्ट नेटिव इंडियन स्कूल खोला, जो कि उन्हीं के द्वारा खोला गया था बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए, अगस्त 1848 में महाराष्ट्र में पुणे में। बाद में जो फुले जी थे उन्होंने अनटचेबल कास्ट के बच्चों के लिए भी स्कूल खोला, महार और मांग जाति के बच्चों के लिए। 1863 में उन्होंने प्रेग्नेंट ब्राह्मण विडोज़ के लिए भी सेफ एंड सिक्योर प्लेस इस्टैब्लिश किया, होम बनाया, ऑर्फनेज होम उनके द्वारा बनाया गया ताकि इन्फेंटिसाइड को रोका जा सके, और ऐसा माना जाता है कि वो ऐसे पहले हिंदू थे जिन्होंने ऑर्फनेज की शुरुआत की अनफॉर्चुनेट बच्चों के लिए। 1868 में उन्होंने कॉमन बाथिंग टैंक भी अपने घर के बाहर स्टैब्लिश किया, और वो तो चाहते थे कि सभी जात के लोगों के साथ एक साथ खाना खाया जाए। 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, उनकी कुछ फेमस बुक्स हैं तृतीय रत्न, गुलामगिरी, सेकातार्यच आशुद, या फिर कल्टिवेटर्स विद गॉड भी बोल सकते हैं। जो अगला प्रश्न है वो मैपिंग पर है, आपसे पूछा गया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑस्ट्रेलिया के किस स्टेट से होकर गुजरता है। आपके पास ऑप्शंस हैं न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड, तस्मानिया और विक्टोरिया। वहाँ पे स्टेट्स कंट्री तो कोई है नहीं, ऑस्ट्रेलिया जो मेन कॉन्टिनेंट है, मेनलैंड कॉन्टिनेंट है, वहाँ पर तो एक ही देश है ऑस्ट्रेलिया, और स्टेट्स भी बहुत कम हैं। तो बताइए कि कौन से स्टेट से होकर ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरता है। सही जवाब बी है, क्वींसलैंड से होकर ये गुजरता है। यहाँ पर 3 टेरिटरीज या 3 स्टेट्स से क्रॉस करता है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नदर्न टेरिटरी और क्वींसलैंड। जो क्वींसलैंड है ये 2nd लार्जेस्ट और 3rd मोस्ट पॉपुलस ऑस्ट्रेलियन स्टेट है। ब्रिस्बेन इसकी कैपिटल है, ब्रिस्बेन क्वींसलैंड की सबसे पॉपुलस सिटी है
और ऑस्ट्रेलिया की थर्ड पॉपुलर सिटी है। जो अगला प्रश्न है उसमें पहला स्टेटमेंट है कि ऑस्ट्रेलिया एशिया से आरफुरा और तिमोर सी यानी कि सागरों के जरिए अलग होता है। दूसरा स्टेटमेंट यह है कि आर्टेशियन बेसिन ऑस्ट्रेलिया में दुनिया का लार्जेस्ट और डीपेस्ट फ्रेश वाटर जो स्टोरेज है वो वहाँ पर है। यहाँ पर दो के दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ये देखिए, ये है तिमोर सी और ये है आरफुरा सी जो ऑस्ट्रेलिया को एशिया से अलग करते हैं, और ये आर्टेशियन बेसिन है। यहाँ पर पानी ऐसे काफ़ी प्रेशराइज्ड वे में रहता है, फंसा रहता है, तो जब भी यहाँ पर कोई ड्रिलिंग की जाती है तो फवारे की तरह पानी बाहर निकलने लगता है, तो उसे आर्टेशियन वेल कहते हैं। कुछ कोर्सेज ओनली आईएएस पे अवेलेबल हैं, डेडिकेटेड प्रेजेंस प्रोग्राम, पीएसआईआर सोशियोलॉजी ऑप्शनल और करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज जो नेक्स्ट वीक तक अवेलेबल होगी। इन कोर्सेज को आप video.onlyis.in पे जाके एक्सेस कर सकते हैं। कल के मैपिंग के पार्ट में हम इंडिया पर आएंगे। इंडिया के रिवर सिस्टम में गंगेस रिवर सिस्टम से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तैयार रखिएगा। अपना स्कोर कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।